दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह ईडी दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी के लिए पहुंचे। ईडी की ये छापेमारी राजकुमार आनंद के सरकारी आवास समेत 9 ठिकानों पर चल रही है। आपको बता दें कि ये छापेमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी से पहले हुई है। सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं।